नागपुर में मैनेजमेंट कोर्स के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा में 600 छात्र प्रवेश परीक्षा देने के लिए गए थे, लेकिन कई सेंटरों पर कंप्यूटर सर्वर डाउन हो गया, जिससे छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गए। छात्र अभिभावक और छात्र संगठन के लोगों ने शनिवार शाम पत्रकार भवन में एक प्रेस वार्ता किया। इसमें उन्होंने परीक्षा में उनके साथ जो घटा उसकी जानकारी साझा की। छात्रों की ओर से बताया गया कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए कई केंद्र निर्धारित किए गए थे, जिसमें से JD कॉलेज और रायसोनी कॉलेज भी था। यहाँ जब छात्र पहुंचे तो कईयों को प्रवेश ही नहीं मिल पाया। इसका कारण कॉलेज नहीं बता रहे हैं, लेकिन कॉलेज के सूत्रों के अनुसार उनका सर्वर डाउन था। इसके बाद जो छात्र अंदर परीक्षा देने बैठे थे, उनका परीक्षा के दौरान बीच में ही सर्वर डाउन होने से समय खराब हुआ। कई छात्रों ने बताया कि परीक्षा के बीच में 3 बार सर्वर डाउन होने के रुकना पड़ा, इनके कारण उन्हें कम समय मिला। मेरा नाम दिशा नशीने है। आज मेरी MBA CET की एग्ज़ाम थी, तो जैसे हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट हुई, हमें एग्ज़ाम के पहले ही रफ शीट दे दी जाती है, बट इस बार उन लोगों ने कि हम आपको रफ शीट्स नहीं देंगे, एंड काफ़ी बोलने के बाद अराउंड आफ्टर 20 मिनट्स दे गेव अस दी रफ शीट, एंड फिर अराउंड 1.5 आवर टू 2.5 आवर सर्वर डाउन हो गया अपने आप। फिर वी कंप्लेन टू देम, दे वर लाइक कि पेपर ख़त्म हो गया तुम्हारा, अब नहीं है। और हमारे उसमें ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स दिखा रहे थे कि और पेपर हमारा बाकी है 45 मिनट्स का। फिर दे रीलॉन्च्ड इट, और जितना मैंने मार्क की थी उसको ऑलमोस्ट 25 to 30% अनमार्क हो चुका था, तो आई हैव टू मार्क इट अगेन, और ऐसा 3 बार रिपीट हुआ। एंड आफ्टर लाइक 5 मिनट वेयर ऑल्सो लेफ्ट, उसके पहले मेरा ऑटोमेटिक सबमिट हो गया, और मेरे जो साइड के थे और कुछ और लोग थे उनके फिर भी 30 to 40 मिनट्स वेयर लेफ्ट। JD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर में सेंटर था। इसी स्थिति में छात्रों और छात्र संगठनों को अब प्रशासन और सरकार से आशा है कि प्रश्न पेपर परीक्षा का आयोजन किया जाए, जिससे परीक्षा से वंचित छात्र इसमें सम्मिलित हो पाए। इस मामले को कोर्ट का दरवाजा खटखटाए जाने की भी बात कही जा रही है, जिस पर जानकारी अधिक साझा की है एडवोकेट सचिन गुप्ता ने। मैं एडवोकेट सचिन गुप्ता, आज CET सेल का एग्जाम्स था ऑनलाइन एग्जाम्स, जिसका सेंटर JD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट था, जिसमें दिशा सुरेश नसी ने ये अपियर कर रहे थे, जिनको 7:30 बजे का टाइम दिया गया था और 180 मिनट्स का उसे टोटल टाइमिंग था, मिनट्स का टाइमिंग था, जिसमें उनको एग्ज़ाम्स देना था। पर कॉलेज में जब प्रशासन जाने के बाद उन्हें रफ पेपर नहीं दिया गया, रफ शीट जब दी गई वो भी 15 से 20 मिनट लेट दी गई, और हर 30 मिनट्स के बाद वो सर्वर शटडाउन हुआ, और जो उन्हें मार्किंग करे थे वो रीमार्किंग करना पड़ा, जिससे उनको एग्ज़ाम में काफ़ी नुकसान हुआ, जिसके लिए वो आज कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रही है। CET परीक्षा प्रशासन द्वारा हुई इस चूक पर युवा शिवसेना जिला प्रमुख विक्रम राठौड़ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जो युवा परीक्षा से वंचित हुए हैं, उनके द्वारा एकत्रित होकर बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। मैं विक्रम राठौड़, युवा सेना शिवसेना जिला प्रमुख, माजी जिला प्रमुख। आज जो CET एग्ज़ाम थी बच्चों की, तो वो एग्ज़ाम में शासन के तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट की गई, तो उसमें इतनी बड़ी प्रमाण में चुलबुक हुई है कि जो विद्यार्थी लॉगिंग कर रहा था, किसी किसी का लॉगिंग नहीं हुआ, किसी किसी तो लॉगिंग हुआ ही नहीं, और जितने लोगों ने कुछ लॉगिंग किया बीच में ही उन्होंने एग्ज़ाम दी, फिर से सर्वर डाउन हुआ, उसके बाद में जब फिर से लॉगिंग हुई तो उनके जो आंसर उन्होंने टिक किया था वो टिक भी चली गई। तो इस कारण बहुत बड़ी भूल प्रशासन के तरफ से हुई है एग्ज़ाम में। इसके लिए हम सभी अभी जो विद्यार्थी इस एग्ज़ाम से वंचित रही है, उनको सबको एकत्रित करके हम एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। तभी पश्चात मंडे को हम लोगों ने हाईकोर्ट में भी जाने का निर्णय लिया हुआ है, और यदि प्रशासन की तरफ से यदि ये जल्दी से जल्दी निर्णय नहीं लिया जाता है, तो हम विद्यार्थियों के साथ में शिवसेना युवा सेना एकदम शिवसेना स्टाइल में हम आंदोलन करेंगे और विद्यार्थियों को न्याय मिला के देंगे। इस प्रकरण में छात्र एकजुट हुए हैं और प्रशासन से मांग की है कि यह परीक्षा फिर से ली जाए, जिससे वंचित छात्रों को अवसर मिल पाए। इस पत्रकार परिषद में शिवसेना युवा सेना जिला प्रमुख विक्रम राठौड़, पूर्व शहर प्रमुख राजेश तुमसरे, उप शहर प्रमुख मनोज शाहू, ओम प्रकाश शाहू, एडवोकेट सचिन गुप्ता, नेहा यादव और सुरेश नशी, किशोर शिवहरे, इंद्रजीत सिंह भल्ला उपस्थित रहे। NBC न्यूज के लिए अजित कुंवर के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।